आप सबके सामने मंचल सिंह कार्यकर्ताओं का परिचय रखना अपना कर्तव्य समझता हूँ। आकाश नेगी जी, आप मूलतः कांडा किन्नौर के स्थायी निवासी हैं। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश के प्रदेश मंत्री हैं। आपका केंद्र शिमला है। नैन्सी अटल जी, आप मूलतः नालागढ़ की स्थायी निवासी हैं। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हिमाचल प्रदेश की प्रदेश सह मंत्री हैं। आपका केंद्र शिमला है। दुशाला संस्था जी, आप मूलतः चौपाल की स्थायी निवासी हैं। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिमला शहरी की जिला संयोजक हैं। नमस्ते, अक्षय ठाकुर, मूलतः जोगिंदर नगर मंडी का स्थायी निवासी हूँ। अभावीप प्रांत मीडिया संयोजक, ऐसा मेरा दायित्व है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय में विधि विभाग अध्यक्ष, ऐसा मेरा दायित्व है। आज की पत्रकार वार्ता हेतु मैं आकाश नेगी जी से आग्रह करता हूँ। आप सभी का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक वंदन है, अभिनंदन। ये वार्ता स्पेशली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अभी 27 और 28 अप्रैल को शीतला माता मंदिर सुंदरनगर में विद्यार्थी परिषद की एक प्रदेश समीक्षा योजना बैठक संपन्न होती है, उस बैठक की जानकारी आप सभी के समक्ष रखने हेतु ये बैठक की ये पत्रकार वार्ता अभी की जा रही है। समीक्षा योजना बैठक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक ऐसी बैठक होती है जिसमें पूरे एक साल भर की जो डेटा, एक साल भर के जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो मेंबरशिप हो, चाहे वो अलग अलग आयोगों द्वारा किए गए कार्यक्रम हो, चाहे विद्यार्थी परिषद के अपने कार्यक्रम हो, चाहे वो विद्यार्थी को लेकर के कोई कार्यक्रम किए हो, चाहे वो समाज के अंदर अनेकों कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद द्वारा किए गए, उन सभी का उसमें समीक्षा की जाती है कि किस प्रकार से वो कार्यक्रम पूरे समाज के बीच में किए गए और उसके बाद आने वाले एक वर्ष की योजना उस कार्यक्रम में की जाती है। ये बैठक शीतला माता मंदिर में 2 दिनों तक चली और उसमें पूरे हिमाचल से लगभग 67 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और निश्चित रूप से इस बैठक में केवल एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज ही नहीं बल्कि समाज के अंदर कैसे कैसे इश्यूज चल रहे, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर के पूरे हिमाचल में अभी हम लोग देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक और चीज जो पूरे देश में एक अभी चल रहा है लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व, जो पूरे 5 वर्षों के बाद पूरे देश में, हिमाचल के साथ साथ पूरे देश भर में उसकी एक लहर बनी है और हम दान जानते हैं कि हमारा भारत देश, हमारा भारत वर्ष सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और केवल अभी नहीं, हम 2024 में रह रहे हैं लेकिन अभी नहीं, बल्कि अगर हम पुराने भी देखेंगे तो हमारे सामने ऋग्वेद में भी कहीं ना कहीं प्रजातंत्र की चर्चा होती है। मान लीजिए तो लोकतंत्र उस दौर पे इस देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अगर लोकतंत्र को, अगर डेमोक्रेसी को कहीं से स्ट्रॉन्ग करने का कोई रूट है या कोई उसकी जड़ें हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी भारतीय संस्कृति। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आने वाले चुनावों के अंदर युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, विद्यार्थी परिषद की एज स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या भूमिका हो सकती है, उसने भी चर्चा की, तो उनके कुछ मुद्दे मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, उसकी योजनाएं आपके सामने रखना चाहूंगा। विद्यार्थी परिषद ने किस प्रकार की योजना आने वाले इलेक्शंस के लिए किया, हम सभी जानते हैं हमारा देश एक युवा देश है, लगभग 65% ऑफ द जो हमारे देश में रहने वाले लोग है वो यूथ है, लेकिन फिर भी इस देश में युवाओं की जो वोटिंग की भूमिका है, पिछले इलेक्शन में देखते हैं, अगर 2017 की हम बात 2019 की हम बात करें तो हमारे सामने आएगा कि जो यूथ जिसने वोट किया है वो कहीं ना कहीं उसकी परसेंटेज थोड़ी सी डाउन हुई है, लेकिन फिर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल के साथ साथ पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर मतदाता जागरण अभियान के नाम से नेशन फर्स्ट वोटिंग मस्ट के अभियान को लेकर के एक अभियान चलाने वाले। आप सभी के समक्ष में जानकारी रखना चाहूंगा कि विद्यार्थी परिषद इस अभियान को 13 मई से लेकर चलाएगी और अभी कुछ कुछ हमारे जो विश्वविद्यालय है, जो हिमाचल के अंदर 2 स्टेट यूनिवर्सिटीज है, 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उन सभी के अंदर विद्यार्थी परिषद ने एक स्टार्टिंग फेज की बैठक स्टार्ट कर ली और आप सभी के सामने में रखना चाहूंगा। विद्यार्थी परिषद किसी दल विशेष को, किसी पार्टी विशेष को लेकर के ये अभियान नहीं चला रही, विद्यार्थी परिषद का एक ही मुद्दा है, विद्यार्थी परिषद की युवाओं के बीच जब जाएगी पूरे प्रदेश में, चाहे हम 20 लाख से अधिक पर्चा वितरण के माध्यम से युवाओं के बीच में जाएंगे पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों के अंदर, अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, चाहे वो कैंपस हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो कोचिंग सेंटर्स हो, चाहे वो लाइब्रेरीज हो, उन सभी के अंदर जब विद्यार्थी परिषद जाएगी तो पर्चे के साथ साथ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी जाएगी और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वो बताएगी कि आपका एक वोट जो लोकतंत्र, जो डेमोक्रेसी के अंदर आपको एक पावर मिलती है, जो शक्ति आपकी होती है,
आप अगर 5 साल बाद किसी सरकार से कुछ पूछ सकते हो तो आप इसी कारण से पूछ सकते हैं कि आपने वोट किया। अगर आप वोट नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप एक क्वेश्चन पूछने का हक आप खो बैठते हैं। तो विद्यार्थी परिषद इन सभी आयामों के तरफ, इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे वो रन फॉर वोट के माध्यम से हो, पूरे हिमाचल के अंदर हिमाचल के युवाओं के बीच में जाकर के इस लोकसभा इलेक्शन में 100% मतदान का आग्रह करने जा रहे हैं। आप सभी के समक्ष में रखूंगा। तो विद्यार्थी परिषद 13 मई से ही इन कार्यक्रमों को लेकर आगे बढ़ने वाली है, जिसमें सबसे पहले रन फॉर वोट विद्यार्थी परिषद शुरू करेगी और सबसे बड़ा लगभग 13 मई से लेकर के 25 मई के बीच में जो कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद करेगी वो फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए। हमारे पास पूरे कैंपसेस में जो कॉलेज कैंपसेस है, हम देखते हैं हमारे पास जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स है, चाहे वो कोचिंग सेंटर्स भी है, जब विद्यार्थी परिषद कोचिंग सेंटर के पास गई तो कोचिंग सेंटर में हमें इतने स्टूडेंट्स मिले जो कहते हैं कि हम तो फर्स्ट टाइम वोटर्स है और बहुत एक्साइटेड है वोटिंग करने के लिए कि किस प्रकार से हम पहली बार अपना वोट इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए देंगे। तो ऐसे अनेकों छात्रों को इकट्ठा करके, ऐसे युवाओं को इकट्ठा करके हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 2500 से ज्यादा युवाओं का सम्मेलन करने का विद्यार्थी परिषद ने भी टारगेट लिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो 20 लाख पर्चा वितरण पूरे हिमाचल में अलग अलग जिलों के अंदर विद्यार्थी परिषद करने वाली है और पूरे हिमाचल के हर एक कोने में, चाहे हमारा वो ट्राइबल एरिया हो, चाहे हमारा वो बीच का एरिया हो, चाहे हमारा पहाड़ी क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्रों के अंदर वोटिंग के महत्व को IIT से लेकर के, NIT से लेकर के, एम्स के बाद और हमारे ITI तक भी इस प्रकार के नुक्कड़ नाटकों को दिखाने का विद्यार्थी परिषद ने इस बार लक्ष्य लिया है कि जहां जहां पर छात्र है वहां पर विद्यार्थी परिषद पहुंचेगी और हर एक छात्र के अंदर इस बार वो 1 जून का जो दिन होगा उस दिन वो छुट्टी का दिन ना, उस दिन वो त्योहार का दिन हो, उस दिन वो इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का दिन हो। इस प्रकार से देश के, इस प्रदेश के युवाओं के अंदर एक उत्साह बढ़ने का काम विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में करने वाले। और रही बात हमारी प्रदेश कार्य समीक्षा योजना बैठक की, तो केवल यही नहीं, वोटिंग अभी जो अभियान हमारा है पूरे देश भर में इलेक्शन का दौर चल रहा है तो वोटिंग हमने फर्स्ट प्रायोरिटी में ली है, लेकिन के बाद अगर हम बात करें तो विद्यार्थी परिषद एक विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और हिमाचल की भी अगर बात करें तो विद्यार्थी परिषद हिमाचल का भी सबसे बड़ा छात्र संगठन है। तो इस वर्ष भी 2 लाख से अधिक मेंबरशिप करने का टारगेट विद्यार्थी परिषद ने लिया है, चाहे वो स्कूल स्तर से विद्यार्थी परिषद की मेंबरशिप होती है और यूनिवर्सिटीज के बाद ऐसे जो पूरे नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट है वहां पर विद्यार्थी परिषद की मेंबरशिप होती है। इसके साथ साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज यही योजना थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज इसीलिए आयोजित किया गया था ताकि आप सभी के माध्यम से इस प्रदेश के हर एक युवा तक विद्यार्थी परिषद की यह बात पहुंचे कि इस 1 जून को हम सब अपने घर से बाहर निकले और केवल अपना ही वोट नहीं बल्कि अपने साथ साथ हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो कुछ युवा लोग हो, चाहे वो कुछ ऐसे लोग हो जो किसी कारण से, अपनी नौकरी के कारण से, अपनी पढ़ाई के कारण से अपने घर से बाहर रहते हैं और वो वोट नहीं कर पाते, आप सभी आज से ही उनसे आग्रह कीजिए। सबसे पहले तो जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है वो अपना वोट बनाए, उसके बाद केवल वोट बनाने में ही हमारा काम समाप्त नहीं हो जाएगा, वोट बनाने के बाद हम सभी अपने क्षेत्र के, अपने गांव के ब्रांड एम्बेसडर्स भी बने और ऐसे लोगों को मोटिवेट भी करें, ऐसे लोगों को जागरूक भी करें जो किसी कारण से वोट नहीं करते, उनसे कहिए कि इस बार हिमाचल 100% मतदान करेगा और इसमें युवाओं की भूमिका सबसे अधिक रहेगी और किसी भी प्रकार की समस्या, चाहे वोटिंग आईडी या वोटर्स कार्ड बनाने में हो, तो आप विद्यार्थी परिषद से संपर्क कर सकते हैं और नहीं तो अपने नजदीकी हमारे जो भी गांव के प्रधान या और वहां पे वार्ड मेंबर्स होते हैं वो अभी भी हम सभी के ध्यान में होगा कि हमारे वोटिंग आईडी, वोटिंग जो करने का राइट, जो हमें वोटिंग आईडी बनती है वो सभी हमारे गांव, हमारे क्षेत्र में बन रहा है। धन्यवाद। आपने चुनाव में उससे परमिशन ली है या फिर स्वेच्छा से करेंगे कि क्या ये मतदाता जागरण अभियान? जी, विद्यार्थी परिषद मतदाता जागरण अभियान हर वर्ष करती है और ये पहली बार नहीं है और ऐसा नहीं है कि आयोग से परमिशन नहीं ली गई है, आयोग से परमिशन भी ली है। पहले स्पेसिफिकली हमारा जो आयोग से परमिशन लेने की बात होती थी, चाहे वो वहां पे प्रशासन था उससे हम परमिशन लेने की बात करते थे तो हमारी रथ यात्राएं चलती थी, आप सभी ने पहले भी देखा होगा विद्यार्थी परिषद की रथ यात्राएं चलती थी, लेकिन इस बार रथ यात्रा नहीं चल रही, लेकिन लगभग 20 लाख एक बहुत बड़ी संख्या में हम पर्चा वितरण करके युवाओं के बीच में पहुंच रहे हैं तो निश्चित रूप से इन सभी के लिए परमिशन लेनी पड़ती है और विद्यार्थी परिषद ने भी उससे परमिशन ली है। नेगी जी,
जी आपका ये जो अभियान चलने वाला है, क्या ये शिक्षण संस्थानों में या ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप जाने वाले? देखिए, पहले फेज में हम इसको शिक्षण संस्थानों में करने वाले हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, उसके बाद आईटीआईज में। लेकिन इसके बाद जो सेकंड फेज होगा उसमें जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं और जो हम ब्रांड एम्बेसडर्स फर्स्ट टाइम वोटर्स को बनाने वाले हैं, वो निश्चित रूप से अपने गांव में जाकर के वहां के लोगों को भी वोट के लिए जागरूक करेंगे। नेगी जी, ये जो वोटिंग के लिए ही रहेगा कि वोटिंग के युवाओं को वोटिंग के लिए प्रेरित करने के लिए रहेगा, या फिर इसमें जो करंट इश्यूज हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, उनको भी एड्रेस किया जाएगा? जी निश्चित रूप से, पहला जो सबसे नंबर वन हमारा इशू है इसमें 100% वोटिंग का। उसके बाद निश्चित रूप से प्रदेश में और देश में जो भी मुद्दे होते हैं, चाहे वो बेरोजगारों को बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे वो स्टूडेंट इश्यूज को लेकर हो, विद्यार्थी परिषद ऐसे छात्र संगठन होने के नाते हमेशा से छात्र इश्यूज को लेकर के जो सरकार बात करती है, जो बेरोजगारी को लेकर के बात करे, एक स्टेबल गवर्नमेंट पूरे देश को दे, स्टेबिलिटी पूरे हमारे राष्ट्र को दे, ऐसी सरकार को वोट करने के लिए विद्यार्थी परिषद मांग करेगी। चुनाव आयोग अपने जी, चुनाव आयोग हमें बस परमिशन देगा, बाकी जो भी करेंगे वो विद्यार्थी परिषद खुद करेगा। निधि जी, आप एक यंगस्टर हैं, आपने यहाँ पर अभियान भी चला रही है एबीपी, तो यंगस्टर होने के नाते इतिहास में पहली बार हिमाचल में पॉलिटिकल जो सिनेरियो बना हो, उस बारे में आपका क्या कहना है यंगस्टर होने के नाते? निश्चित रूप से हिमाचल में अगर हम बात करें तो अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो हम देखते हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ हिमाचल में विधानसभा चुनाव भी चलने वाले, तो मुझे लगता है इस बारे में बहुत ज्यादा हमें बोलने की जरूरत नहीं है, जो हमें देख भी रहे हैं उन सभी को भी मालूम है, और हमारे देश की जनता और प्रदेश की जनता बहुत स्मार्ट है और बहुत अच्छे से, अगर पहले के समय की बात करें तो कोई बिल्कुल फ्लो में जाकर के एक साथ बिना किसी सोच विचार के वोट करने वाली नहीं है। इसका सभी का जो उत्तर है हमें 4 जुलाई को हम सभी के समक्ष होगा।